आई होप आप सभी लोग घर पे हैं, सेफ हैं। सो आज मैंने सोचा क्यों ना घर बैठे बैठे कुछ स्किन केयर रूटीन आप सभी के साथ शेयर करी जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास क्वेरीज भी आ रही थी कि स्किन के लिए क्या करना चाहिए। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपने फेवरेट जो प्रोडक्ट्स हैं जिससे मैं फेस वॉश करती हूँ, स्क्रबिंग करती हूँ, मास्किंग करती हूँ, वो मैं सभी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मच ऑल माई गर्ल्स जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही हैं और इतना सारा प्यार दे रही हैं। सो आज घर पे बैठे बैठे ये सामान हो सकता है आपके पास भी हो, लाइक स्क्रब है, फेस वॉश और जो भी आपके आपके पास सामान अवेलेबल है उसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके आप यूज कर सकते हैं। क्यों ना आज आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करीजिए, क्या पता वो आपके लिए हेल्पफुल हो। यू नेवर नो, यू कैन गेट दैट पार्लर वाला ग्लो एट होम। सो गेट रेडी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फेस वॉश के साथ, एंड दिस इज द बॉडी शॉप टी ट्री। ये वाला जो फेस वॉश है मेरा फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि इससे एक्ने दूर होता है। गर्मियों में मेरे फेस पर काफी पिंपल्स होते हैं, लेकिन जब मैं ये वाला यूज करती हूँ तो वो पिंपल कंट्रोल में रहता है। यूज करेंगे फेस को थोड़ा सा ठंडा ठंडा, थोड़ा सा टिंगलिंग सा इफेक्ट होगा। और इसकी जगह आपके पास जो भी फेस वॉश है आप वो यूज कर सकते हैं। बट स्टेप नंबर टू, सो फेस वॉश के बाद अब मैं स्क्रब करने वाली हूँ। स्क्रब वाला स्टेप बहुत जरूरी होता है, आपकी स्किन की जितनी भी डेड स्किन होती है ना, डेड सेल्स होती है, वो सब हटा देती है और स्किन में एक अलग सा निखार आता है। और मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मैंने आपको बताना चाहूंगी दैट दिस इज माई फेवरेट 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 उपटन है। ये स्क्रब भी नहीं है, बट दिस इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल दी यू नो डेड। कुछ ऐसा होता है इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्लासी है। सो मैंने ये थोड़ा सा ये प्रोडक्ट ले लिया है, सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, लेकिन मेन स्टेप है मेरे स्किन केयर रूटीन। और अब आपको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मसाज करना होगा। ये आपको 5-7 मिनट तक करना होगा। स्किन आप देख सकते हैं, मैंने इसको वॉश भी नहीं करा है, इसको हटाया भी नहीं है, बट स्टिल ये मेरी स्किन से हट चुका है। बहुत ही इजी था, बस इसको स्क्रब करते रहेंगे, 10 मिनट बाद अपने आप ही ड्राई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्किन से निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स लाइक आफ्टर स्क्रबिंग। आईब्रो इग्नोर करिएगा क्योंकि पार्लर तो बंद, कुछ कर नहीं सकते। मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये चंदन पाउडर है, ये मुझे मार्केट में मिला था मुंबई। ये मेरा फाउंडेशन ब्रश है, इसको मैं क्योंकि मैं फाउंडेशन की जो ब्लेंडिंग होती है वो ज़्यादातर ब्लेंडर से ही करती हूँ, उससे नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेते, क्यों वेस्ट जाने दें, राइट। तो ये इतना सही यूज़ करना है, इतनी सी क्वान्टिटी लेंगे। और ये कामा आयुर्वेदा का निमरा एंटी एक्ने फेस। फेस पैक में मैंने यूज़ करा है चंदन पाउडर और निमरा फेस पैक जो कि कामा आयुर्वेदा का था। मैं सब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी। और अब मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ कामा आयुर्वेदा का ही प्योर मोगरा वाटर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ अ वाटर, इसकी जगह आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। Now you can see कि अब मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर होगी, एकदम एक अलग सा शाइन आ गया है, काफ़ी यू नो एक ब्राइटनेस है, ग्लो है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला
स्टेप, क्योंकि मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है. राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस पतंजलि एलोवेरा जेल. So this is how now my skin looks like. और मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप भी दिखाती हूँ. So much everyone for watching this video and I hope कि आपको ये स्किन केयर रूटीन पसंद आए and I really hope कि आप इसको करें because this is going to really help you all. इसको करिए और ग्लो करिए और फ्लॉन्ट करिए आपकी ब्यूटी को. Stay safe, stay home and take care. Love you all. And yes, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा please. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो hit the like button and also don't forget to subscribe. Thank you so much everyone. Take care and God bless you all. Thank you. Love you.